सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण बाबा रामदेव के 2300 करोड़ रुपए बह गए पानी में, जानिए कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद बुधवार सुबह पतंजलि फूड के शेयरों में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल दवा वैज्ञानिकों में भ्रामक दावे न करने के अपने वादे से पीछे हटने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंधक निर्देशक आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस भेजा है, जिसका असर शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है। महज 105 मिनट में रामदेव की कंपनी को करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को क्या कहा और उसके बाद कंपनी के शेयरों में आंकड़े बाजार में कैसे दिखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को हृदय रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने से भी रोक दिया। यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएट द्वारा अदालत में सबूत पेश करने के बाद आया है, जिससे द हिंदू अखबार में पतंजलि का विज्ञापन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल थे, जहां कंपनी ने योग की मदद से मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया है। दावा किया गया था कि अदालत ने पतंजलि को पिछले अदालत में आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया, जिसने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन जारी करने और भ्रामक दावे करने से रोक दिया। हालांकि उस दिन एक नियामक फाइलिंग में पतंजलि फूड ने कहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पतंजलि फूड लिमिटेड से संबंधित नहीं है, जो एक स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध इकाई है जो खाद्य तेल और खाद FMCG क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी के शेयरों में करीब 4% की गिरावट आई है। कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक BSE ने पतंजलि फूड के शेयरों में करीब 4% की गिरावट आई और कंपनी का शेयर 1556 रुपये पर आ गया, जबकि एक दिन पहले कंपनी के शेयर 1620 रुपये थे। हालांकि आज कंपनी शेयर बड़ी गिरावट के साथ 1562 रुपये पर खुले। फिलहाल कंपनी के शेयर में 54.25 रुपये यानी 3.35 रुपये की गिरावट आई है। 1565.95 पैसे का कारोबार कर रहा है। 105 मिनट में 2300 करोड़ रुपये डूब गए। कंपनी के शेयरों में गिरावट के कारण कंपनी के वैल्यूएशन में काफ़ी कमी आई है। 105 मिनट में कारोबार क्षेत्र में दौरान रामदेव की कंपनी को करीब 2300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक दिन पहले कंपनी का वैल्यूएशन 58,650.40 करोड़ रुपये था, सुबह 11 बजे यह 56,355.35 करोड़ पर पहुंच गया, जिसका मतलब कि कंपनी के मूल्यांकन में 105 मिनट में 2295 करोड़ रुपये की गिरावट देखी गई। फिलहाल कंपनी की वैल्यूएशन 56,471 रुपये है। आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव झूठा प्रचार कर अपना सामान बेचते हैं? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।